How to fix City Union Bank Corp mobile banking app not responding and black screen problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सिटी यूनियन बैंक कॉर्प मोबाइल बैंकिंग ऐप का ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके इस ऐप के अंदर पे अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो दोस्तों बेसिकली इस तरीके का प्रॉब्लम तब हमें आते हैं जब हमारे मोबाइल पे कोई बग का इशू होते हैं, हमारे मोबाइल पे जब हमारे जो ऐप है उसमें बग आ जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपके जो ऐप है उसका डेटा करप्ट हो जाते हैं या फिर ऐप डेटा क्रश करते हैं, तो उन सब के वजह से प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल कैसे फिक्स करना होगा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू आ जाते हैं तो आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों एक बार चेक करके देखें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन करना होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है सिटी यूनियन बैंक कॉर्प मोबाइल बैंकिंग ऐप। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को अपडेट कर देना है, क्योंकि ऐप अपडेट करने से आपका बग प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ ही साथ ऐप के अंदर पे कोई डेटा मिसयूज़ हुआ है या फिर डेटा करप्ट हुआ है या फिर आपके डेटा जो है यहाँ पे क्रश हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम दोस्तों आप अपडेट से ही फिक्स कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों, आप एक बार ऐप को अपडेट करें। ऐप अपडेट करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद चेक करके देखिए। तो दोस्तों, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अपडेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अपडेट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है। तो दोस्तों, आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको सी ऑल ऐप पर जाके ये ऐप सर्च करना होगा। ठीक है, सेंट्रल यूनियन बैंक, नॉट सेंट्रल, इट्स सिटी यूनियन बैंक कॉर्प मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो इस ऐप को यहाँ पे सर्च कर लेना है, फुल स्टॉप कर देना है। उसके बाद स्टोरेज ऑप्शन पर जाके आपको क्लियर स्टोरेज ओके कर देना है, और उसके बाद बैक करना है। एंड देन दोस्तों, आपको इसका जो परमिशन है उनको अलाउ कर देना है। तो कुछ ही परमिशंस आपको दिखाई देगा, तो वो परमिशंस आपको अलाउ कर लेना है। परमिशंस अलाउ करने के बाद आप यहाँ पे बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करें, एंड देन चेक करके देख लीजिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर दोस्तों इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर ऐप को रीइंस्टॉल करें। उसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है, अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, सिस्टम पर जाना है, और सिस्टम अपडेट पर जाके दोस्तों सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना है। जैसे ही दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, आपका प्ले स्टोर को ओपन कीजिए एंड देन ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए। तो ऐप रीइंस्टॉल करते ही दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रबल शूट का प्रोसेस है, आप इसको पूरी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।